अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी माहिर मुबीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक हैं, खुश हैं? तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल आज पूरा हो जाएगा मेरे मुबीन के निकाह को, तो अभी शादी को नहीं, निकाह को। तो खैर, आज मैं उसको देने वाली हूँ सरप्राइज़, लेकिन उन्होंने मेरे सरप्राइज़ में जो है ना बीच में काम ख़राब कर दिया, कि मैंने आज घर पे रुकने का सोचा था क्योंकि मैं चीज़ें अरेंज करनी थी, लेकिन अब ये है कि उनके दोस्त की दावत है और उनके दोस्त ने हमें बुलाया है, तो हमें आज वहाँ जाना है। और हमने जाना भी रात 10 बजे है और 12 बजे तो हमारा शुरू हो जाएगा। यार ये बड़ा मसला है ना। तो खैर, अब पता नहीं क्या होगा, मैं उनको मना भी नहीं कर सकती, मैं अपने सरप्राइज़ ख़राब भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर हर अरेंजमेंट्स अपने रूम में करानी है। यहाँ पर मैंने इनको सब समझा दिया, मुनीब को मैंने सब कुछ समझा दिया कि वो जो है केक पिक कर लेगा, वो थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देगा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कर देगा, ठीक है, और वो सब कुछ जो है पीछे हैंडल कर लेगा। मैं उसको मैसेज करती रहूँगी, आगे हम वहाँ दावत अटेंड करते रहेंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज, अभी तक जिस मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे लाजमी बताओ कि जी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आपको कल का व्लॉग कैसा लगा। तो खैर, सीन ये है कि चलते हैं फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने व्लॉग छुपके से बनाना है। मैंने यही प्रिटेंड कराना है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, थोड़े बहुत क्लिप्स करती रहूँगी, शायद वॉइस ओवर करूँ, शायद ना करूँ, अभी कमरे में वो नहीं, तो मैंने सोचा इंट्रो तो शूट करूँ फटाफट। हाँ, तो भाई ये है कि मुबीन जा रहे थे नाश्ता लेने के लिए, और उनसे आज छुपके व्लॉग बनाना क्योंकि वो रूम में आ गए थे, तो मैंने जो है व्लॉग अपना फ़ौरन बंद कर दिया। अभी फ़ौरन से सारा रूम साफ़ सुथरा करेंगे क्योंकि आज मैंने यहाँ पे डेकोरेशन करनी है, तो अब शाम की दावत के लिए भी तैयार होंगे, तो वो सब भी आप देखिएगा। खैर, और बाकी हर चीज़ हम करती हैं, जो भी आपको दिखाऊंगी छुप के दिखाती रहूँगी। तो गाइस, सीन अब सारा कुछ ये है कि अभी मैं जब वो जा रहे हैं, मैं तब भी जो है ना अपना व्लॉग जो है बना रही हूँ, वरना जब वो आते हैं तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। अभी शाम की दावत के लिए मुझे कपड़े निकालने हैं, अलमारी का मेरा छोड़ दे बेशक, तो कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। बाकी ये है कि कपड़े मुझे निकालने हैं अभी, उनके भी और अपने भी, मैं आज क्या पहन रही हूँ मैं दिखा देती हूँ। और फिर मैंने तो कुछ और पहनना था शाम को, लेकिन जब आएंगे तो यही पहनना होगा। खैर, तो वही मैं दिखाती हूँ। तो भाई ये है मेरा सूट, ये देखें जी, मुबीन ने मुझे तो ये मशवरा दिया है, इस सूट का जो मशवरा मुझे मुबीन ने दिया है कि डार्क ग्रीन कलर का जो है सूट पहनूं, शायद उन्होंने मैंने ट्विनिंग पहनी हो, यही वजह हो सकती है। और मेरा तो था कि बुरा आज रहने देते, दावे कैंसिल करते हैं, लेकिन मुबीन ने भी दोस्त है, हम क्या कह सकते हैं ना। तो अब ये है कि लेट्स सी, अब चलते हैं, तैयार श्यार होते हैं, कमरे की सारी सफाई करते हैं, क्योंकि मुनीब को सबसे पहले मुझे कमरे की सफाई करानी है, ठीक है। हाँ, और मुनीब को कमरा साफ करके देकर जाना है, तो उसको पता लगे हर चीज़ का। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो बस आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये ज़्यादा प्यारा, मुबीन ने दिखाया ये वाला सूट पहनने का, पर ये मुझे पहले भी मैंने देखा हो आपको पहने नहीं, ये तो टैग लगा हुआ, मैंने उतारना है इसको। अच्छा, मैंने पहना नहीं है ये। तो गाइस, इन सब में जो मेरी मदद कर रहा है वो है द वन एंड ओनली मुनीब। और क्या कहते हैं, अच्छा छोटे भाई भी काम आते हैं, तो वो क्या हो सकता है, पिक कर देना और लाइट्स ऑफ कर देना। मैं लाइट्स आके ऑन करूँगी, तुम यहाँ पे खड़े हो ना, कैमरा बस सेट कर देना कि बेड तक चीज़ें आ रही हों सारी, ठीक है ना। और जब तुम पार्टी पॉपर फोड़ोगे ना तो वो अच्छा लगेगा, बस वो वाला छुपा, मैं खुद ही छुपा देती हूँ वाला, वो उनकी ग्रीन वाली ना। अच्छा, हाँ वही करती हूँ ना, ठीक है, समझ आ गई है ना। लेकिन तुम नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, तो गाइस हर चीज जो है रेडी हो चुकी है, मैंने अब तैयार होने लगी हूँ, क्योंकि हमने 10 बजे जाना था, तो बज रहा है रात का 10, मतलब 9:30 हो रही है, 10 बजे हम लोगों ने पहुंचना है वहां पर। और दूसरा ये कि जैसे हम वहाँ से आएंगे, वहाँ से 12 बज चुके होंगे, 22 जनवरी स्टार्ट हो चुकी होगी, उससे पहले 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 जो है मुझे मुबीन को देना है सरप्राइज़। जो लड़के को अरेंज कराएंगे सारी चीज़ें, वो आंसर नहीं कर रहा, टेंशन जो भी मुझे लगी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओह माय गॉड, स्ट्रेटनर में मेरी बेवकूफ़ी देखे, स्ट्रेटनर का मुँह तो खोला नहीं हुआ, कभी ऐसे गर्म गर्म स्ट्रेटनर नहीं करते हैं। चलो खैर, अब ये होता है तो बादशाह स्ट्रेट करते हैं। तो उसके बाद जो है ये वाले मेरे कपड़े हैं, तुम लोगों ने देख तो लिए हैं, यार क्या बदतमीजी है यार। चलो अब फटाफट आते हैं, फ्रेश हो के, तैयार शार हो के, लेट्स गो। जी जी ठीक है, समझ गया मैं। जी जी, 1 2 नीति वीडियो बना लो,
इधर आओ, हम कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाई मैचिंग तो नहीं है लेकिन दोनों का अलग अलग है, वो बस बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं इनका वीडियो सेव कर लूं मेमोरी के लिए। हाँ तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। उस टाइम मैंने ये जो प्रीवियस पिछली वीडियो जो आपने देखी है वो मैंने इसलिए लगाई थी कि ताकि मैं उनको दिखा सकूँ, ऐसी रैंडम वीडियो बना ली थी। तो खैर मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग निकल रहे हैं। अब इसके बाद जब घर आएंगे तो एक बिगेस्ट सरप्राइज़ होगा बहुत ज़्यादा मुबीन के लिए, और वो सारा कुछ मुनीब के हवाले है। मुनीब सब कुछ देख के कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। रेड लिपस्टिक मैंने लगा ली है क्योंकि मेरी मामा को जो है बहुत शौक है कि भाई मैं रेड लिपस्टिक लगाऊँ, तो इस वजह से जो है रेड लिपस्टिक लगा ली है। मैच तो नहीं करती थी लेकिन लगा ली है मैंने। खैर कैसे लग रहे हैं? सुनो तुम्हारे जिम्मे है काम, ठीक है कर लेना। अब दुआ पर वो आ जाए। हाँ हाँ उस मैंने मैसेज किया वो आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। वो नान हाँ 10 बजे के बाद आया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? नहीं हम तो 10 बजे तो नहीं ना आने वाले हैं यार। कब आओगे आप? 10 बजे तो समझो वहाँ पे पहुँचना है, आगे 11 बजे तक आ जाएंगे। उस शाम ने बोला हमारे पहुँचने पहले पहले हो जाए आ जाएगा सब कुछ। तो ये ना तो मैं नीचे दरवाजे पे हूँ तो फिर आ रहा हूँ। नहीं 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 मैं उसको ऐसे बोला है, वो उसने कहा आपके फोन से पहले पहुंच जाएगा। मैंने बोला मुनीब ने सेटिंग भी करनी है ठीक है ना, कि मैं सारा खिला रहा था दी है। चलो ठीक है गाइस, अल्लाह के मान का प्लान कंफर्म हो जाए, सक्सेस हो जाए। हाँ हाँ बस ठीक है। और पार्टी पॉपर तुम यहाँ रख देना, मैं यहाँ बैठे खुद ही फोड़ूंगी जब तुम सामने से वीडियो बनाओगे। नहीं नहीं यार नहीं नहीं यार ये पकड़ो अच्छी हो तो चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। अब मैंने सोचा है उनको सरप्राइज देने का, तो चैलेंज चैलेंज चला, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, सरप्राइज हमारा सक्सेसफुल होगा। तो भाई लेट्स गो, मैं दावत का तो खाना खाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। तो गाइस ये वो लड़का है यहाँ कि मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, इन सब ने अपने अपने व्लॉगिंग ऑन की हुई है। ये मेरा सारा सरप्राइज है, मैं सुबह से बना रही हूँ, मैं छुप के व्लॉग बना रही थी कि मैंने आज जाना है। अच्छा, और ड्रेसिंग अच्छा, कैसी तो मैच करवाई? हाँ ये इतनी प्यारी लग रही है ड्रेसिंग मेरी तो। क्या मैच हो गया? हाँ ये मैंने बनाया, मेरे सब बॉस मोए मोए हो गया। मैं तुम दोनों से बात नहीं कर रही, मैं मुनीब को मुझे मैसेज करना पड़ेगा, वो सुबह से सोया नहीं है मेरी वजह से। क्यों? मैंने कहा था कि सरप्राइज रेडी करना है कमरे में। सरप्राइज देना? हाँ जी उसने सोया नहीं सुबह से, मुझे बताते थे उसे। बस बहुत बदतमीज हो यार। गाइस मैंने इनके लिए सबको पता है मैं सारा सुबह से व्लॉग बनाया हुआ था, ये इन्होंने ये अरेंज किया है हैप्पी एनिवर्सरी का। बहुत प्यारा लग रहा है ये, सुबह से अपना भी व्लॉग छुपा रहे हैं, मैं अपना भी व्लॉग छुपा रही हूँ। हाँ यार ये बहुत चला गया इसको सुबह से। पापा मुझे कहती है मोबाइल पकड़ अपना, वाकई मोबाइल पकड़ अपना। मैं इन तेरा व्लॉग खोल के देख दी, मैं कह यार शिट आज वाला ना पकड़ ले। मैंने इसलिए तेरे मोबाइल कल ना वो आपके नंबर से आती हूँ, मुनीब बात कर रहा था कल। मुनीब तो नहीं बात कर रहा होगा, आपने की थी इनके नंबर से? नहीं कोई चैट इनके नंबर से मैंने बात की थी ना कॉल पे, उसमें काफी पता नहीं लगा पायलट इसकी। मैंने कहा यार पता लग गया, लग गया लग गया लेकिन नहीं पता, मुझे नहीं पता लगा। ये कितने मामा को जाके बोली, मम्मी मुझे कहती माही नाश्ता खाना खा लेना अच्छे से, ये वो। यार कितने चिल्लाक, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा आपकी चिल्लाकी का। मैं अपना सरप्राइज रह गया, बस मैं नहीं बोल रही। हाँ तो भैया मेरे भाई आ गए मुबीन को सरप्राइज देने के लिए, जो इनका मिस्ट्री बॉक्स है की रिवील होने वाला है। ये मैंने इनके लिए स्पेशल बनवाया था, पिछले व्लॉग में आप लोग देख चुके हैं कि जी उन्होंने मुझे दिया था सरप्राइज, और आज फर्स्ट डे का एनिवर्सरी है तो मैं इनको देने वाली हूँ सरप्राइज। ओह माय गॉड, अब मैं आपके मिस्ट्री बॉक्स को हमने सोचा हुआ था कि ना अभी मुनीब थ्रिफ्ट स्टोर रूम में घुस जाएगा, हम वहाँ से पार्टी पॉपर फोड़ेंगे। तो क्या कुछ किया हुआ था सच्ची में, बहुत गुस्सा आया। गाइस मेरा सारा जो है ना प्लान इन्हें फ्लॉप कर दिया है। अब मैं गिफ्ट ही रह गया था, वो मैंने इन्हें दे दिया है गिफ्ट। आपको हंसो नहीं गिफ्ट, हंसो नहीं, हंसो मत। मैं और मुझे पता था, मैंने कहा था चलाकी करेंगे ये कुछ, इनको पता होता है।
ये हमेशा मेरा सरप्राइज पकड़ते हैं, पता है मैंने इनका आज तक सरप्राइज नहीं पकड़ा। देखो आपको अंदर क्या क्या है। हाँ जी, इन्होंने मेरा सरप्राइज हमेशा पकड़ा है। अब मैं एक ऐसा सरप्राइज प्लान करूंगी सर जिंदगी पकड़ते जाएंगे, बहुत ऐसा सरप्राइज दूंगी। अच्छा आपको कैसा लगा? आपका तो लाज जवाब था, बेमिसाल था, लाज नहीं अली वे पे तेते से था, अली वे पे तेते। इसमें क्या कुछ है वो आप देखेंगे मेरा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कर लेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते हुए लाजमी जाइएगा। बाय बाय।